हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बायजूस वीडियो में एक ऑप्शन आता है, जैसा कि आपके यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रिकमेंडेशंस फॉर योर व्यूअर्स और उसके नीचे एक मैसेज और लिखा हुआ है जिसमें लिखा है यूट्यूब विल रिकमेंड योर कंटेंट बेस्ड ऑन व्यूअर्स इंटरेस्ट और उसके सामने एक आइकन दिख रहा होगा, तो उस आइकन को आपको इनेबल करना है या डिसेबल करना है, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसको मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा। अपने भाई के टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपके यहां मोबाइल की स्क्रीन पर देखना है, सबसे पहले यहां पर आपको बायजूस स्टूडियो ओपन कर लेना है। बायजूस स्टूडियो ओपन होने के बाद ऊपर आपको एक चैनल का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको चैनल के आइकन पर क्लिक कर देना है। चैनल के आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहां पर आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, तो आपको पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है और यहां आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा रिकमेंडेशन फॉर योर व्यूअर्स का ऑप्शन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो इससे ये होगा कि YouTube आपके वीडियो को रिकमेंड करेगा, मतलब कि आपके व्यूवर्स तक पहुंचाएगा, उन व्यूवर्स तक पहुंचाएगा जिन व्यूवर्स को उस वीडियो की जरूरत होगी। जैसे मेरा टेक्निकल से रिलेटेड चैनल है, मतलब कि YouTube की टिप्स मैं देता हूं, तो मेरे वीडियो को वो उस ऑडियंस तक पहुंचाएगा जो ऑडियंस YouTube की टिप्स के वीडियो देखना चाहती है। जैसे मैं आपको एक जगह और दिखा देता हूं, क्या करना है कि यहां नीचे आपको एक कंटेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कंटेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां से एक वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे, उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे जिस वीडियो में 100 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। जैसे मेरे इस वीडियो में 100 से ज्यादा व्यूज हैं तो इसकी एनालिटिक्स में मैं चला जाऊंगा। एनालिटिक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहां एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है हाउ व्यूअर्स फाउंड दिस वीडियो, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है यूट्यूब रिकमेंडेशन, तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है यूट्यूब होम और सेकंड नंबर में लिखा हुआ है अप नेक्स्ट। तो यूट्यूब होम कौन से व्यूअर्स होते हैं, जैसे मैं आपको यहां यूट्यूब में ले चलता हूं। जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो यूट्यूब को ओपन करते ही जो यहां पर वीडियो आते हैं उसको यूट्यूब होम कहते हैं, तो यहां पर आपका वीडियो देने लगेगा यूट्यूब अगर आप उस आइकन को इनेबल कर देंगे तो। और दूसरा ऑप्शन क्या था, अप नेक्स्ट। अप नेक्स्ट का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, जब वो वीडियो लास्ट हो जाएगा और उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा उसको अप नेक्स्ट कहते हैं। तो ये दोनों जगह में आपका वीडियो यूट्यूब भेजने लगेगा अगर आप इस बटन को ऑन कर देते हैं तो, अगर नहीं करेंगे तो यूट्यूब आपको यूट्यूब होम में और अप नेक्स्ट में नहीं भेजेगा। आप इसको इनेबल कर दीजिए तो यूट्यूब आपका वीडियो रिकमेंडेशंस में भेजने लगेगा और इससे आपको बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं। ओके, और एक बात और, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें अर्निंग ऐप के बारे में बताया है। उस ऐप से आप दिन का 1,000 से 2,000 रुपए बना सकते हैं बड़े आसानी से विदाउट इन्वेस्ट किए, मतलब कि आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप दिन का 1,000 से 2,000 रुपए कमा सकते हैं और ये ट्रस्टेड अर्निंग ऐप है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन पर दे दूंगा और जो ये वीडियो दिख रहा है ना तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।